जयपुर नगर निगम चुनाव में नामांकन भरने के लिए उम्मीदवारों के पास अब बस एक दिन का वक्त बाकी है, लेकिन कांग्रेस में टिकट को लेकर मारामारी जारी है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट। जयपुर में नगर निगम चुनाव के लिए टिकट वितरण कांग्रेस के लिए चुनौती बन गया है। चुनाव के लिए बनाई गई कमेटियों को दरकिनार कर सिर्फ विधायकों को सिंबल देने के मामले में विरोध तेज होने लगा है। शनिवार को पीसीसी के निवर्तमान महासचिव गिरिराज गर्ग ने होटल अशोका में विद्याधर नगर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया और टिकट वितरण के फॉर्मूले पर नाराजगी जताई। इसी होटल में कांग्रेस के पर्यवेक्षक रुके हुए हैं। इस प्रक्रिया के विरोध में हूं, इसीलिए मैंने आज धरना दिया है कि अगर मन अगर साफ है, कार्यकर्ता को अगर आप चुनाव लड़ाना चाहते हैं, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप पारदर्शिता के साथ तीन तीन नामों का पैनल बना के प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दे दें। उसमें से पार्टी जिसको उचित समझेगी उसको चुनाव लड़ा देगी। आज लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जिन कार्यकर्ताओं ने जी जान लगाया, पिछले 15 साल 20 साल 25 साल से जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, वो इसी दिन का इंतजार करता था कि नगर निगम का चुनाव आएगा तो मुझे मौका मिलेगा। आज वर्तमान जो पार्टी के प्रत्याशी रहे हुए हैं लोकसभा चुनाव में, एक एक सवा सवा डेढ़ डेढ़ लाख वोटों से जहाँ पार्टी हारी थी, आज वो ये गारंटी ले रहे हैं कि सारे नगर निगम के टिकट हमें दे दो, सिंबल हम जिता देंगे। भाई ऐसा क्या पैरामीटर आ गया, ऐसा क्या आपके पास अलादीन का चिराग आ गया कि उस समय तो पार्टी को 1.5 लाख वोटों से हरा दिया आपने लोकसभा चुनाव में, और अब आप नगर निगम के सारे टिकट जो है वो लेके और आप जिता देंगे। इधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा के निवास पर एक अहम बैठक हुई, जिसमें संजय बाफना, सुरेश मिश्रा, बिरधी चंद, सुनील पारवानी, विक्रम सिंह और के हरितवाल मौजूद रहे। इन नेताओं ने मालवीय नगर, सांगानेर, विद्याधर नगर में टिकट वितरण को पारदर्शी बनाने की मांग की। साथ ही विधानसभा चुनाव में हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा ही टिकट बांटने का विरोध किया। इन नेताओं ने अपने स्तर पर उम्मीदवारों की सूची भी तैयार की है। रविवार को ये नेता पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा को अपनी सूची सौंपेंगे। हमको सब लोगों ने विश्वास दिलाया है कि ये जो एक कमेटी बनी है ये एक प्रक्रिया के तहत बनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कांग्रेस के जो प्रमुख नेता है, वरिष्ठ नेता है, जिन्होंने धरातल पर काम करा हुआ है, जिनकी अच्छी छवि है, उनके जो सुझाव दिए जाएंगे उनको कंसीडर नहीं करा जाएगा। तो हमको विश्वास दिलाया गया कि आप लोग बैठ के कोशिश करके सर्वसम्मति से अच्छे नाम कुछ हमको आप सजेस्ट करो और उनको निश्चित रूप से कंसीडर करेंगे। तो कल सवेरे हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से भी मिलेंगे